स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन टीम क्लासेस। स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्टली हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट में डिवीजन हो गई थी, एम्ब्रियो बन गया था, वो कहाँ चला गया था, यूटरस में ट्रांसफर हो गया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं जिसको, इम्प्लांटेशन। सो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर थर्ड के टॉपिक्स चल रहे हैं, लास्टली टॉपिक है लास्ट सेकंड टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियो अच्छे से देख लेना, अगर जो आपको वो समझ हो गए तभी ये समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो साथ साथ उसको भी रिवाइज करते रहना। स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है, प्रेगनेंसी, अब जब यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। वो क्या क्रिएट कर रही है, प्रेगनेंसी क्रिएट कर रही है। उसके बाद क्या आता है, जब प्रेगनेंसी हो गई है तो जो आउटर वॉल होती है ना, मैंने आपको बताया था अभी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के जो बाहर की वॉल होती है, आउटर वॉल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अब इस ट्रोफोब्लास्ट पर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होती है, जैसे फिंगर लाइक, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होती है। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, ये कहां पूरे के पूरे बाहर की बोल को कवर कर लेती है। क्लियर, पूरे के पूरे बाहर के बोल को कवर कर लेती है, पूरी बोल पर होती है। और उसके साथ ही किसके साथ जुड़ जाती है, मतलब ये यूट्रस के चारों तरफ सराउंडेड होती है, साथ ही जो मैटरनल ब्लड है, मदर का जो ब्लड है उसके चारों तरफ, ऐसे ही देखो किसके कॉन्टेक्ट में आ रही है, मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आई है। साथ के साथ यहाँ क्या है, यूट्रस भी है ना यहाँ, और ये ट्रोफोब्लास्ट जुड़ी किससे हुई है, यूट्रस की इनर वॉल से, दैट वाज कौन से थी, वो एंडोमेट्रियम से ये जुड़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स आ जाता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ट्रोफोब्लास्ट पर अपीयर होती है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई इनको बोलते हैं। आपने इंटेस्टाइन में भी पढ़ा होगा, वहां विलाई होती है जिसका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्लियर, अब आ जाता है ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो यूट्रस के चारों तरफ है, यूट्रस टिश्यू में जो, अब यहाँ भी क्या है, यूट्रिन टिश्यू, यूट्रस के टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये कोरियोनिक विलाई और साथ के साथ क्या भी है, मदर ब्लड, क्या भी है, मदर ब्लड। मदर ब्लड को क्या भी बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड भी इसको बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स आ जाता है कि ये जो कोरियोनिक विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इस तरीके से सपोज करो, क्लियर। अब ये ना यूट्रस टिश्यू के साथ मिल जाती है, अब यूट्रस टिश्यू भी ऐसे बड़े हुए, यूट्रस सेल्स वो इनके साथ ऐसे फिक्स हो जाती है, अच्छे से फिक्स होके ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है। उस स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इट मेड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये किस तरीके से अपीयर होते हैं, फर्दर सपोज करो जैसे ये हैंड है, क्लियर, ये एक कोरियोनिक विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई है, और ये यूट्रस टिश्यू, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, इतने अच्छे से एक दूसरे में इंबेडेड हो जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे से मतलब जुड़ जाते हैं, ये जॉइंट कर जाते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्लेसेंटा। क्या है वो, प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है, ये क्या होता है, इसके भी दो रोल होते हैं प्लेसेंटा के भी, कौन कौन से दो रोल होते हैं प्लेसेंटा के, अगर हम बात करें, प्लेसेंटा भी दो फंक्शंस प्ले करता है। यस, फर्स्टली ये क्या दे रहा है, इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसी यूनिट है जो एम्ब्रियो को किसे जोड़ती है, मदर की बॉडी से। क्लियर, अब एम्ब्रियो तो मदर की बॉडी में है, तो उसको भी क्या होगा, अब उसको डेवलप करने के लिए फूड भी चाहिए, सरवाइव करने के लिए गैस भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ के साथ उसको अच्छे से डेवलपमेंट भी करनी है, तो वो किससे लेगा, मदर की बॉडी से ही लेगा। तो जो टिश्यू होता है जो जोड़ के रखता है मदर की बॉडी को एम्ब्रियो से, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा क्या करता है,
ट्रांसफर करेगा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ, प्लेसेंटा में जाएगा मदर बॉडी से, और मदर बॉडी से किसमें, प्लेसेंटा से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एम्ब्रियो में, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एम्ब्रियो में। क्लियर। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, वेस्टेज प्रोड्यूस करेगा, जब जब भी फूड ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वेस्टेज होता है, और इसके साथ ही कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट। अब इनको तो क्या रिलीज हो रहा है ना, बॉडी से बाहर जाना है, तो इनको रिमूवल करने में कौन हेल्प करता है, प्लेसेंटा। तो ये वापिस इसी प्लेसेंटा से जो है बॉडी से बाहर आ जाते हैं, फिर मदर बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अब ये जो आता है ना कि एम्ब्रियो, जो प्लेसेंटा जब एम्ब्रियो से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा एम्ब्रियो से जुड़ता है, वो भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू प्लेसेंटा एम्ब्रियो से जुड़ता है, इस बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको बोला जाता है। देखो अब आप इधर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये क्या है, यूट्रस है अंदर, और इसके अंदर क्या है, ये एंड जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये बाहर की लेयर क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट, मैंने बताया था आपको। अब इसमें फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस हो रहे हैं ना, जो पूरे चारों तरफ हो रही है, मदर के ब्लड से भी मिल रही है और यूट्रस के टिश्यू से भी। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूट्रस के टिश्यू के साथ मिलके क्या बनाती है, प्लेसेंटा। क्या बनाती है, प्लेसेंटा, एक स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट आती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जो फर्दर किसमें, जो क्या जोड़ेगा, मदर एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से अटैच कर देगा, जिससे फर्दर हेल्प होंगे न्यूट्रिशन के ट्रांसफर में, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज, इसके बाद अगर जो हम बात करें प्लेसेंटल विलाई, आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये देखो, अब प्लेसेंटा ये एम्ब्रियो से भी तो जुड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जब प्लेसेंटा एम्ब्रियो से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट को, अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने सुना होगा, जो जब न्यू बोर्न बेबी होता है, जैसे उसकी डिलीवरी होती है मदर की बॉडी से, तो उसकी जो नाभि होती है ना, जो बेली बटन होता है, उससे ना एक वो जुड़ी होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। क्लियर। वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है बेबी की बेली बटन से, नाभि से, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा को किससे जोड़ता है, एम्ब्रियो से जोड़ता है, और प्लेसेंटा क्या कर रहा है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर रहा है एम्ब्रियो के पास। क्लियर। तो आपको प्लेसेंटा के रोल पता चल गए, क्या क्या रोल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा, इसके दो रोल बता दे, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, साथ के साथ क्या भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देता है बॉडी से। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट की जो प्लेसेंटा है, ये एंडोक्राइन टिश्यू भी है, इट इज ऑल्सो प्ले अ रोल एज एंडोक्राइन टिश्यू। क्लियर, एंडोक्राइन टिश्यू। अब आपको पता चल गया एंडोक्राइन का मतलब ये क्या है, कुछ सिक्रीशन हो रही है, कुछ हॉर्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है बॉडी के अंदर, तो सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन, किसकी सिक्रीशन हो रही है, हॉर्मोन्स की सिक्रीशन होती है, कौन रिलीज करता है ये हॉर्मोन, प्लेसेंटा, कौन रिलीज करता है, प्लेसेंटा है जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, और कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स, HCG जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनी गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनी गोनेडोट्रोफिन, इसके साथ ही आता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, इसके साथ साथ ह्यूमन कोर्टिसोल हॉर्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है,
एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, ये भी हॉर्मोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स रिलीज होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स है जैसे एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन से हॉर्मोन्स है और ये रिलीज कहाँ से होते हैं, प्लेसेंटा से। कौन रिलीज करता है इनको? प्लेसेंटा इनको रिलीज करता है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, और इसके साथ साथ ही जो एस्ट्रोजन है फीमेल हॉर्मोन, प्रोजेस्टेरोन है, ये भी कौन प्रोड्यूस करता है? ये इनका जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है मदर के यूट्रस में, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो हॉर्मोन्स का लेवल है, थायरोक्सिन, कोर्टिजोल, इनका लेवल बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी आगे डिले होती रहेगी, आगे आगे बढ़ती रहेगी, टाइम पीरियड जो 9 मंथ तक आते आते जो इनका लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो लेवल है क्या होता, फंक्शन क्या होता है इन हॉर्मोन्स का? ये हेल्प करते हैं फीटस के डेवलपमेंट में। किसमें हेल्प करते हैं? फीटस के डेवलपमेंट में। फीटस को क्या भी बोलते हैं? एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है ना उसको फीटस भी बोलते हैं स्टूडेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो फीटस की डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में जो है कौन हेल्प करते हैं? ये हॉर्मोन्स। क्लियर। अब इसके साथ साथ ही एक हॉर्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिंग। क्या बोलते हैं? रिलैक्सिंग हॉर्मोन है, और ये हॉर्मोन भी है प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है। किस टाइम पे ही? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और लेट फेज में, अगर प्रेगनेंसी का 3rd, 4th, 5th मंथ जो होता है तब ये प्रोड्यूस होता है। और कहाँ से रिलीज होता है? ये ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है फीमेल में ओवरी, तो ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? रिलैक्सिंग हॉर्मोन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसके अगर जो हम साथ ही बात करें हॉर्मोन्स का, आपको पता चल गया कि कौन से हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है। अब ये जो हमारे इनर सेल मास होता है, क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो जो बना है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है 16 to 32 cell stage पे, अब इसमें क्या होता है जो अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है, अब ये क्या हो गया था? इम्प्लांट हो गया था ना बॉडी के अंदर, अंदर की तरफ जो इनर सेल मास है ये डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंशिएट का मतलब ये तीन लेयर बनाएगा एम्ब्रियो की ही। कौन कौन सी लेयर होंगी? एक्टोडर्म, पहले तो दो लेयर बनाएगा, फर्स्ट आउटर लेयर जो होती है एक्टोडर्म के आउटर लेयर, फिर बनाएगा एंडोडर्म, दिस इज द इनर लेयर। अब इन दोनों के बनने के बाद जो होता है एक बीच में लेयर बनती है, इन दोनों के बीच में एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म है ये कब बनती है? जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है उसके बाद ही मेसोडर्म बनती है, इट इज अ मिडल लेयर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है यही फर्दर क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं। एम्ब्रियो के अंदर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे। फिर क्या बनेगा? कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब जब कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बन गया तो क्या होगा? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, कंप्लीट जो एम्ब्रियो वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ कि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये तो हेल्प करती ही है, उसके साथ साथ स्टूडेंट जो इनर सेल मास होता है ना इसके अंदर सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ये सेल्स भी क्या हेल्प करती हैं? इनकी एबिलिटी होती है टू मेक ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बना देती है। क्या बनाती है? इट हेल्प टू मेक द टिश्यू टू ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ऑर्गन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होगा? कम्प्लीटली एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आ जाता है आपका अब
जब बेबी की डेवलपमेंट होती है, ये तो क्या हो गया कि कंप्लीट आपको पता चल गया कैसे ऑर्गन बन रहे हैं, जो फर्स्ट ऑर्गन जो बनता है कोई भी जो न्यूली जो बोर्न बेबी है मदर की बॉडी में है जब वो, तो उसके अंदर जो सबसे पहले डेवलपमेंट होती है तो कौन सी ऑर्गन की होती है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कौन सा होता है, हार्ट इसकी होती है स्टूडेंट, हार्ट की। तो अगर जो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ सेवन्थ एट नाइन्थ इन मंथ्स की बात करें कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ मैंने मिस भी कर दिया क्योंकि उसमें भी वही डेवलपमेंट चलती है। तो फर्स्ट मंथ में क्या बनेगा, सबसे पहले हार्ट बनता है स्टूडेंट्स, क्या बनता है, हार्ट बनता है बेबी में। सेकेंड मंथ में क्या बनते हैं, लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स जो फिंगर के लिम्स बन गए, लेग्स के लिम्स बन गए, डिजिट्स, लिम्स और डिजिट्स बनना शुरू हो जाती हैं। थर्ड में क्या होते हैं, मेजर ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स डेवलप, लाइक मेल में है मेल जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है, फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन बन जाता है, तो इन ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, हेयर्स अपीयर ऑन हेड, हेयर्स अपीयर ऑन हेड, हेड पर हेयर्स अपीयर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो मूवमेंट करता है। अपनी मदर से पूछ के देखना कि कब जो है मतलब मैंने फर्स्ट मूवमेंट कब की थी, मदर के जब मदर की बॉडी में होता है बेबी तो वो सबसे पहले जो मूवमेंट की मदर को फील होता है उसके अंदर बेबी है, बेबी की ग्रोथ हो रही है, तो कब कैसे पता चलता है उसकी मूवमेंट से, और ये मूवमेंट कब होती है, इन द फिफ्थ मंथ, किस मंथ में होती है, फिफ्थ मंथ में। अब सेवन्थ एट नाइन्थ मंथ, इन मंथ में स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, स्किन बन जाती है प्रॉपर, और साथ ही साथ पूरी बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, हेयर ऑन होल बॉडी, पूरी बॉडी पे जो है हेयर आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स जो नाइन मंथ का जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसमें कैसे कैसे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होती है, जो मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो फर्स्ट मंथ में होता है कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट, क्या बनता है, हार्ट, और जो हार्ट बीट होती है वो डॉक्टर जब हार्ट बीट टेस्ट करते हैं बेबी की तो वो कब बन जाती है, फर्स्ट मंथ में ही सुनना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर जब चेक करते हैं ना कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि है या नहीं है, तो डॉक्टर हार्ट बीट से चेक करते हैं एम्ब्रियो की कि प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है नहीं की हुई। तो जो हार्ट बीट चेक करते हैं वो कौन से इक्विपमेंट से चेक की जाती है स्टूडेंट, स्टीथोस्कोप, किसी की जाती है, स्टीथोस्कोप एक ऐसे इक्विपमेंट है जिससे हार्ट बीट चेक करते हैं एम्ब्रियो की, किसी की भी स्टीथोस्कोप से चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अब आ जाता है लिंक्स और डिजिट, सेकंड मंथ में क्या बनते हैं, लिंक्स बनना शुरू हो जाते हैं, डिजिट्स बनना फिंगर्स की लेग्स की। क्लियर स्टूडेंट। थर्ड आता है मेजर ऑर्गन, जो मेजर ऑर्गन है फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, मेल में मेल जेनाइटल ऑर्गन, वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अब आता है फिफ्थ मंथ में क्या होता है, हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं हेड पर, और जो मूवमेंट होती है फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट होती है एम्ब्रियो की वो कौन से मंथ में होती है, फिफ्थ मंथ में ही। अब क्या होता है सिक्स मंथ में आई लैशेज बनते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है हेयर्स, छोटे छोटे हेयर जो है पूरी स्किन पर डेवलप हो जाते हैं। देन क्या होता है नाइन मंथ तक जो होता है एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, एंड नाउ एट द टाइम दिस इज द टाइम व्हेन इट रेडी फॉर बर्थ, ये वो टाइम है जब वो रेडी होता है बर्थ के लिए, डिलीवरी के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता है जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी चल रही होती है साथ के साथ जो हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और जो प्लेसेंटा से रिलीज हुए थे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन उनका लेवल भी बढ़ता रहता है। क्लियर। एक मैंने अभी आपको बताया रिलैक्सिंग इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रिलैक्सिंग एक हॉर्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होता है, और ये कौन से कौन रिलीज करती है, ओवरी, फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है। क्लियर। तो ये जो हॉर्मोन्स है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं मदर की बॉडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि किस में हेल्प करते हैं, दे फर्दर हेल्प इन द, ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, साथ के साथ ही क्या कर रहे हैं एम्ब्रियो की जो मेंटेन कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के साथ साथ जो मेटाबॉलिक चेंजेस अकर करते हैं फीमेल की बॉडी में उसमें भी रोल प्ले करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये तो आपने पढ़ा यहाँ तक। स्टूडेंट्स क्या होता है जब एम्ब्रियो मदर की बॉडी में होता है यूट्रस में होता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है एम्ब्रियो के चारों तरफ। क्लियर। उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर क्या होती है, फीटल सेल्स प्रेजेंट होती है, फीटस सेल्स प्रेजेंट होती है। तो कई बार क्या होता है ये जो कंप्लीट ये कब पता चलता है, तो जब
जब भी डॉक्टर चेक करते हैं, पहले के टाइम में जो इलीगल होता था कि सेक्स बेबी का डिटरमाइन कर लेते थे, तो डॉक्टर एमनियोटिक फ्लूड से जो है चेक करते थे कि उसके अंदर फीटल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिससे वो आइडिया लगा सकते थे कि जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा बेबी बॉय है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एमनियोटिक फ्लूड होता है जो बेबी के अंदर चारों तरफ सर्वाइव करता है, और इसका एक टेस्ट भी होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर थर्ड चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो जो टॉपिक है दैट इज पार्चुरीशन। अब क्या पढ़ा आपने, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो चुका है, वो बॉडी से बाहर भी तो आएगा, और बाहर आने को क्या बोलते हैं, पार्चुरीशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरीशन। और हम क्या पढ़ेंगे, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब फीडिंग करना, न्यूली बेबी को फीड भी तो करती है मदर, वो आएगा लैक्टेशन में। तो पार्चुरीशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द कि जब वो प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो जो फुल्ली डेवलप हो चुका है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर? बाय स्ट्रॉन्ग और विगरस कॉन्ट्रैक्शन अकर इन यूट्रस। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो क्रिएट हो रही है फीमेल के यूट्रस में, वो किससे क्रिएट होती है, कि जो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑल्सो कॉल्ड एज डिलीवरी हार्मोन। क्लियर? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस। ये यूट्रस में और साथ ही साथ प्लेसेंटा में भी कॉन्ट्रैक्शंस होती है। विग्रस मतलब बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली कॉन्ट्रैक्शंस होती है। और यूट्रस की कौन सी वॉल में होती है, मायोमेट्रियम, जो मिडल वॉल होती है यूट्रस की उसमें को मायोमेट्रियम बोलते हैं, उसमें बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होती है। मैंने बताया था आपको इस, ये मायोमेट्रियम किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की, जिनको इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, सो दे कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री मसल्स। और ये कहाँ होती है, मायोमेट्रियम में। अब मायोमेट्रियम में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो दोनों प्रोसेस है कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है, मतलब साथ साथ चलेंगे दोनों प्रोसेस। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जितना ज्यादा हार्मोन रिलीज होगा उतनी ज्यादा क्या होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी। फिर क्या होता है, टाइम आता है जिस टाइम पे क्या होता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी की डिलीवरी, एंड इट एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से बाहर आ जाता है। ये स्टूडेंट्स, तो ये जो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो डिलीवरी के टाइम पे फीमेल बॉडी से प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा, दैट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन आपको मैंने बताया भी था, लैक्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मदर फीड करती है न्यूली बोर्न बेबी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच मदर फीड द न्यूली बोर्न बेबी, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन बाय द मेमरी ग्लैंड्स। इन दिस जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल की, ये स्टूडेंट जो मेमरी ग्लैंड्स होती है ना फीमेल की, उनमें डिफ्रेंशिएशन होती है, और ये जो डिफ्रेंशिएशन होती है मतलब एल्वियोलाई में मिल्क सीक्रेट होता है, तो ये कब होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर, जब 9 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी पर, उस टाइम पर ये मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती है। और ड्यूरिंग द बर्थ, जब बर्थ होता है ना स्टूडेंट, जब बेबी का बर्थ हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये मेमरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है, मिल्क। दे सिक्रेट मिल्क, ये मेमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती है मदर बॉडी से। तो ये जो मिल्क होता है, इट इज द फीडिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। ये फीडिंग होती है न्यूली बेबी के लिए, न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। स्टूडेंट जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जो मदर की बॉडी से डिलीवरी के बाद ही, जैसे ही मदर की डिलीवरी बेबी बाहर आया, तो उसके बाद जो मदर की मेमरी ग्लैंड से पहला जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट मिल्क, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, येलो कलर का विस्कस फ्लूड होता है, गाढ़ा फ्लूड होता है, येलो विस्कस फ्लूड होता है, विच कंसिस्ट लॉट ऑफ एंटीबॉडी। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, और ज्यादातर कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। कौन सी होती है, आईजीए।
और ये जो एंटीबॉडी होती है ये किस में हेल्प करती है, टू गिव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन टू न्यूली बॉर्न बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराती है। क्लियर स्टूडेंट्स, डेवलप कर देती है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, इट डेवलप स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अब आपको पहले भी बताया था मैंने और पता भी होगा कि जो इम्यून सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे बॉडी की एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, कि अगर जो बेबी को कोई डिसीज हो गया लाइक कोल्ड कफ हो गया तो उसके अंदर ये एबिलिटी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा अगर जो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये इम्यून सिस्टम कब स्ट्रॉन्ग बनता है, बाय द फीडिंग ऑफ मदर मिल्क। तो मदर मिल्क जो मदर फीडिंग होते हैं वो बेस्ट फीडिंग बताए जाते हैं न्यूली बोर्न बेबी के लिए, और डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ जो है मदर फीडिंग ही बेस्ट फीडिंग होती है, मदर फीडिंग ही, कि जो न्यूली बोर्न बेबी है उसको पहले 6 महीने तक क्या देना चाहिए, सिर्फ मदर मिल्क ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। क्लियर स्टूडेंट, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे उसकी एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, डिसीज से लड़ने की क्षमता उसकी बॉडी में आ जाती है, जिससे वो जल्दी बीमार नहीं होगा बच्चा, सेकंड अगर जो वो बीमार हो भी गया तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था पार्टुरेशन और लैक्टेशन। पार्टुरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बर्थ होता है बेबी का, जो लैक्टेशन में फीडिंग होती है बेबी की, जब बेबी की केयर करते हैं। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका चैप्टर 3 खत्म होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्टार्टिंग के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या किस चीज चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट ने मेथड्स बनाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, तब तक आप हर वीडियो को, हर लेक्चर को अच्छे से सुनोगे, सेकेंडली साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अप टिल कीप रिवाइजिंग।